तो वी आर गिवन द टर्म्स एक्स यहाँ पे गिवन है, हमें वाई गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. एक्स वी आर गिवन एज ए टाइम्स कॉस टी, मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके ही लिख रही हूँ, ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टैन टी बाई टू है तो ए लॉग टैन टी बाई टू बन जाएगा ये. एंड वाई गिवन है ए साइन टी. अब आपको पता है इनके डेरिवेटिव्स, dx by dt हो जाएगा ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x नाउ, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, a cos t का डेरिवेटिव क्या होगा? Unmute yourself and tell me the answer. Shitij, what is the derivative of a cos t? Tia, so again if you are not answering me, so you know it that this is a part of assessment also bache. Fine then, this is a cos t. Cos ka aapka derivative hota hai minus sine, so this will become minus a sine t plus yahan pe a as it is. Log ka derivative is 1 upon ki form mein, so that is 1 upon tan t by 2 and further tan t by 2 aapka डिफरेंशियबल है तो यू विल राइट डाउन इट्स डेरिवेटिव. टैन का आपका डेरिवेटिव है दैट इज सेकेंट स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू जो है वो आपका फर्दर डिफरेंशियबल है तो इंटू हाफ आप कर दोगे. सो आपका जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज माइनस साइन ए माइनस ए साइन टी प्लस ए इंटू वन अपॉन टैन टी बाई टू सेकेंट स्क्वायर t by 2 into 1 by 2. इसको आप जो है rewrite करके लिख लोगे accordingly. So यहाँ से ये आपका बन जाएगा minus a sin t plus a secant square t by 2 को you can write down as 1 upon cos square और इसको cos t by 2 sin t by 2 यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1 upon cos square t by 2, ये वाला 2 मैंने यहाँ आगे लिख दिया तो ये बन गया मेरा माइनस ए साइन टी प्लस ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. डिनोमिनेटर में मेरे पास रह गया 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा तो साइन ट्वाइस ऑफ टी बाय 2 दैट इज साइन टी आ जाएगा यहाँ पे. नाउ लेट्स find out the derivative of y with respect to t. So dy upon dt. This is equal to a cos t. अब हमें dy upon dx निकालना है. So this is a cos t upon minus a sin t plus a upon sin t. ए डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले लोगे और यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे. देन यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे. एलसीएम लेके दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में ये साइन टी मैं यहाँ लिख रही हूँ. नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो है आपका दैट इज कॉस टी तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया. दिस इज कॉस टी कॉस स्क्वायर में लिखोगे आप उसको कॉस टी साइन टी. 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी. अब ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास रह गया साइन टी बाय कॉस टी एंड दिस इज इक्वल टू टैन टी. तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई tan t. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमें गिवन है x इज इक्वल टू
a cos theta plus theta sin theta, and y is equal to a sin theta minus theta cos theta. We are to find dy by dx. Again, इसी तरीके से है, सिंपल है, सिंपली आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. We are given x is equal to a into cos theta plus theta sin theta. Again, मैं ब्रैकेट ओपन करके ही लिख रही हूँ. आपका बच्चे सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म का दैट आई हैव सेंट यू इन द क्लास ग्रुप, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ऑलमोस्ट हमारे टू चैप्टर्स जो है वो हमने और करने हैं अकॉर्डिंग टू टर्म टू सिलेबस. रेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स वी हैव डन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब डेरिवेटिव ले लेंगे इसका हम. एनीवन दोज हु हैव जॉइंड नाउ can give the answer for this. We are to calculate dy by dx. For that, first of all, we are going to calculate dx upon d theta. Anyone of you can unmute and tell me the answer. पहले जो पांच बच्चे थे उनमें से तो किसी ने आंसर दिया नहीं. Let us see. I can see Manvia and Banshika, those can give the answers. Anyone of you बच्चे can unmute? Yes, Manvia. A sin theta plus or minus minus a sin minus. Theta minus a sin theta plus a theta cos theta. Both of these are differentiable. Theta is also differentiable. Sin theta is also differentiable. So what you will write down over here? Plus into d theta by dx. एक सेकेंड बच्चे पहले इसको कंप्लीट करो. यहाँ पे आपने a as it is लिख लिया, cos theta का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा दे दिया, उसके बाद प्लस a थीटा साइन थीटा. थीटा साइन थीटा बोथ आर डिफरेंशिएबल एंड बोथ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो यू आर टू यूज द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर. सो a थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा आपने लगा दिया cos theta. Now we will keep a sine theta. Derivative of theta is 1. So this is get cancelled. We are having a theta cos theta. अब बताइए. चलिए वंशिका आप बताओ बच्चे dy upon d theta. Thank you Manvia. वंशिका unmute yourself. Yes बच्चे इसका derivative बताइए. A cos theta. A cos theta. अब A theta cos theta. Both of these are differentiable. So again you will use product rule over here. Let this be your first function. This be your second function. Mam theta, then derivative of cos theta. This is a theta, derivative of cos theta is minus sine theta. And then plus? Plus cos theta. A cos theta. And derivative of theta is? Derivative of theta. 1. So this is a cos theta. Bracket open kar lenge hum yahan pe. Bahar kyunki negative sign tha, to maine इनको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि साइन की कोई कंफ्यूजन ना हो. अगेन a cos theta minus a cos theta gets cancelled. So we are having a theta sin theta. So again dy upon dx, that is dy upon d theta upon dx upon d theta. So this is a theta sin theta upon a theta cos theta. A theta will get cancelled. So again our this answer is tan theta. This is equal to tan theta. Now moving on to question number 11. Question number 11 mein bachche hame given hai, if x is equal to root a sin inverse t, y is equal to root a cos inverse t, then find dy upon dx. Hame show karna hai that dy upon dx
इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। वी आर हैविंग एक्स इज इक्वल टू, ये ध्यान से करना क्वेश्चन, रूट ए साइन इनवर्स टी एंड वाई इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब यहां ध्यान दो, मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि इसका अदरवाइज मुझे यहाँ पे पावर फॉर्मूला का लेके डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैं क्या करती हूँ डेरिवेटिव रूट सिंबल रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब जब मैं दोनों साइड्स डिफरेंशिएट करूंगी, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड दिस विल बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब ए टू द पावर एक्स वाला हमने डेरिवेटिव ले लेना है, दैट इज ए लॉग ए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए हमें लेके चलना है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या है ए ही रहेगा, देन इंटू डेरिवेटिव ऑफ उधर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टी, इधर आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स टी। तो डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड पे, यहाँ मैंने अब इधर डेरिवेटिव नहीं लिया है, यू आर टू टेक दैट ऑल्सो, तो दिस इज टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, log a into ये आपका further differentiable है, तो derivative of sine inverse t that is root one upon root one minus t square, dx upon dt की value मुझे रखनी है इधर, तो बाकी सब मैं उधर ले जाऊंगी, this is a sine inverse t log a into one upon root one minus t square, और ये 2x जब आएगा इधर तो अपॉन में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे दोबारा ध्यान दो, x किसके इक्वल था, रूट्स a साइन इनवर्स t के, तो इस x को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, अब ऊपर विदाउट रूट है नीचे विद रूट है, तो ये कैंसल आउट होके न्यूमिरेटर में आपका रूट रह जाएगा, सेम वे में फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड मींस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए जल्दी से, यू आर टू कैलकुलेट इट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, डिफरेंशिएटिंग करोगे दोनों तरफ, लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट। अब बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करते जाओ, यहां से ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a log a to the power cos inverse t log a with minus sign upon me root 1 minus t square, ये वाला 2y यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये क्या कर देगा डिवाइड। अब 2 है as it is, y को रिप्लेस कर दो एंड देन इससे root a to the power cos inverse t से, और फिर अगेन कैंसिलेशंस कर दो, y की जगह हमने लिख दिया रूट ए कॉस इनवर्स इंटू रूट वन माइनस टी स्क्वायर, अगेन रूट और ये वन पार कैंसिल आउट होके आपका रूट में रह जाएगा, सो दिस इज माइनस वन बाय टू, this is a to the power cos inverse t upon me root 1 minus t square, this is your
dy अपॉन dt dt. अब dy अपॉन dx निकालने हैं तो दोनों को डिवाइड कर दो, dy वाली टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी और dx वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगी आपकी. dy है आपका माइनस रूट ए कॉस इनवर्स टी जस्ट अ मोमेंट मान लिया. यस बच्चे अनम्यूट कर लो बेटा अपने आपको. मैम व्हाई हैव वी यूज्ड लॉग ए ओवर देयर? पार्डन इन द डिफरेंशिएशन. यस ऑन डिफरेंशिएटिंग साइड्स इन द फर्स्ट स्टेप व्हाई हैव वी यूज्ड लॉग ए? दिस यू आर आस्किंग ना बच्चे. हां यहां पे हमने फार्मूला यूज किया है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स. Derivative of ax is a to the power x log a. Got it? Okay, ma'am. Yes. So यहाँ पे हमारा आ गया dy upon dx is equal to minus a cos inverse t. ये हमने लिख लिया upon में 2 root 1 minus t square upon में dx है. dx आपका ये था so that is root a sin inverse t log a. यहाँ पे भी log a है आपका. और अपॉन में 2 root 1 minus t square. log a root 2 log a 2 और root 1 minus t square आपका cancel out हो जाएगा. what we are left with minus रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए साइन इनवर्स टी. अब ए कॉस इनवर्स टी इज वाई, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अंडर द रूट इज एक्स. सो दिस इज माइनस वाई अपॉन एक्स. यही चीज जो है हमें प्रूव करनी थी. दोबारा देख लो इसको. हमने जो है गिवन था हमें एक्स इज इक्वल टू a to the power sin inverse t under the root. हमने squaring both sides की तो हमारे पास आ गया ये x square is equal to a to the power sin inverse t. ये वाला root इधर आके square बन गया. Differentiating both sides, x square का derivative 2x, क्योंकि further x with respect to t differentiable है तो that is dx by dt is equal to यहाँ पे a to the power x का formula लगाया that is a to the power x log a. तो a to the power sin inverse t log a इनटू, क्योंकि यहाँ जो एक्स की जगह है दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ले लिया. अगेन डीएक्स बाई डी टी, क्योंकि मुझे डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है तो ये 2x यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड कर देगा. बाकी सभी टर्म्स हमने एज इट इज लिख ली. उसके बाद एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी रूट ए साइन इनवर्स टी ये और पावर वन. पावर वन और हाफ आपको पता है जब आप डिवाइड करते हो तो पावर हाफ रह जाती है. तो रूट ए साइन इनवर्स टी को जब आप रूट ए साइन इनवर्स टी को जब आप रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी से डिवाइड करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी. लॉग ए एज इट इज टू रूट वन माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट एज इट इज. सेम वे में हमने इधर डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया माइनस a to the power cos inverse t under the root log a upon 2 root 1 minus t square. dy upon dt को dx upon dt से जब आपने डिवाइड किया आपके पास ये रह गया कैंसिलेशन के बाद. ये y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे नेगेटिव साइन है तो यू विल रिप्लेस द वैल्यूज विद y and x एंड यू विल गेट योर आंसर एज माइनस y upon x. दिस यू वर टू शो दैट dy upon dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अभी तक हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हम ले रहे थे वन टाइम, हम जो भी गिवन था हमें वेरिएबल उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल. अब अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है
तो हाउ वी विल डू, हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, जो भी हम सिंपल ये डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे, दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इन्हीं को अगर हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वी यूज टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। वाई हमें नॉर्मल फंक्शन गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल एक्स, इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल एक्स। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx। देन अगर मैं फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं, तो दिस विल गिव मी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां ध्यान रखना, ये dx dx d स्क्वायर x स्क्वायर नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर में d की पावर जो है वो 1 ही रहती है, dx स्क्वायर dx क्यूब dx टू द पावर 4 इस तरीके से लिखा जाता है। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अभी तक जितने हमने डेरिवेटिव्स किए हैं, उन्हीं डेरिवेटिव्स को अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे उनको एज अ फंक्शन लेके, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को अगर मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो दैट विल गिव मी द सेकेंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दैट विल बी रिटन एज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। सेम वे में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव and so on, nth order derivative, that is d to the power n x upon dx, d to the power n y upon dx to the power n. So इस तरीके से आपके जो हैं derivatives के आप higher orders निकाल सकते हो। Syllabus में second order derivative तक ही हैं, तो हम यहाँ तक ही concentrate करेंगे। This can also be written as y double dash, जैसे हम dy upon dx को y डैश लिख लेते थे, सिंगल डेरिवेटिव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे टू डैश लगा दिए, तो इट मींस आपने जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज रिप्रेजेंटेड ईदर बाय y डैश और dy अपॉन dx। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ईदर रिप्रेजेंटेड बाय y डबल डैश और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं मींस वी आर टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन ट्वाइस। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, जस्ट अ मोमेंट, इन दिस वी आर गिवन फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10। पहला क्वेश्चन जो है इसमें मुझे गिवन है x square plus 3x plus 2. I have to find out the derivative of x square plus 3x plus 2. अब simply कौन बताएगा derivative? First order derivative ले रहे हैं, फिर second order लेने हैं। चलिए unmute yourself, सक्षम शर्मा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेरे करवाने वाला कुछ नहीं है। बच्चे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2? मैम 2x प्लस 3 प्लस z प्लस कुछ भी नहीं, वो कांस्टेंट है। यस, इट इज अ कांस्टेंट, तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। तो यहां पे 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब मुझे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, पहले मैंने यहां पे डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट किया, तो दिस इज ईदर यू कैन राइट इट डाउन एज y डबल डैश और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सो व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? नम 2, यस 2। आगे और कुछ आएगा बच्चे? नम आगे नहीं शायद। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मान्या, अनम्यूट योरसेल्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल टेल मी। बहुत सिंपल है ये बच्चे क्वेश्चंस, नहीं भी आता तो भी अनम्यूट करो। मान्या, जो रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे, तो इट मींस कि यू आर नॉट देयर। यस बच्चे, मैम 20x रेज टू पावर 19, यस y डैश आ जाएगा 20x टू द पावर 19। So what will be the second order derivative? इसका दोबारा differentiate करना है, क्या करोगे?
20 as it is constant hai, what will be the derivative of x to the power 19? 19x raised to power 18. Very good. This is 19x raised to power 18. That is 380x to the power 18. Siya, next third question. Unmute yourself, Siya. Bache, I have given you the option to unmute. Unmute yourself and tell me the derivative. Y is equal to x cos x. Both the terms are differentiable, so you are to use u into v. Okay, Ishwuneet, will you try? Haanji, ma'am. I just this kind of response ki name lete hi bacha saath hi unmute kar de. So that's very good on your part. Yes, Ishwuneet. Ma'am, pehle x ko constant rakhe, cos x ka likh do minus sin x, and fir cos x constant rakhe aur fir usko one likh do. So this will be minus x sin x plus cos x. Very good. Now again we are to find its derivative because second order derivative nikalna hai. Yes, ma'am. Yahan par pehle minus x ko constant rakh ke sin x ko cos x kar do, fir sin x ko constant rakh ke minus 1 se multiply kar do aur udhar minus sin x. So when we will open the bracket, this will be minus x cos x minus sin x. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So our answer is minus x cos x minus 2 sin x. Minus x cos x minus 2 sin x. Now moving on to the fourth question is your homework part. Now we are doing the fifth question. That is x cube log x. So again we will use u into v over here. So dy upon dx, x cube as it is, derivative of log x is 1 by x plus log x as it is, derivative of x cube is 3x square. So this is x square plus 3x square log x. Again, differentiating with respect to x, we will be having y double dash. That is equal to 2x plus u into v लगा देंगे यहाँ पे दोबारा से 3x square as it is derivative of log x plus log x 3 log x as it is derivative of x square is 2x. So this is 2x plus 3x, ये आपका cancel out हो गया, plus 3 2 6x log x. So 2x plus 3x आपका बन गया 5x plus 6x log x. X आप चाहो तो common लिख के लेके अपना आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट आल्सो. सो दिस इज योर आंसर 5 प्लस 6 log x. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आप खुद ट्राई करोगे. e टू द पावर x sin 5x है, u इनटू v लगाओगे पहले dy / dx में, फिर आगे फर्दर आप u इनटू v लगाओगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एंड यू विल फाइंड योर आंसर. Now the eighth question, find the second order derivative of tan inverse x. So that is again tan inverse x ka derivative aapka 1 upon 1 plus x square aa jayega. Fir aapne 1 upon 1 plus x square ka further derivative lena hai, so you will get your answer. So this is your question number 8. Y is equal to tan inverse x. Tan inverse x का derivative आ गया आपका 1 upon 1 plus x square. Bhumika, what will be the second order derivative? Bhumika, what will be its second order derivative? So I hope you are not there because your camera is also not connected. So it's the second order for finding the second order derivative. Haan ji bache, kya aayega iska derivative? Ma'am, minus 1
ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 3 by 2 -1 -1/2 So that will become -2 यहाँ पे बच्चे आप क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, tan inverse x का डेरिवेटिव 1/(1+x²). मैंने इसको लिख लिया फॉर फाइंडिंग आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1+x²^-1. जब मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रही हूँ देन -1 पावर आगे आ गई, 1+x²^-, कर दिया हमने -1 किया तो -1 -1 आपका -2 आ गया, इंटू 1+x² फर्दर डिफरेंशिएबल था तो उसका डेरिवेटिव 2x लिख दिया. So this is equal to -2x/(1+x²)^2. Now moving on to question number 9. Question number 9 में log of log x हमें given है. तो ये वाले questions थोड़े से ध्यान से देखना. Differentiate किया तो log का derivative 1/, अब ये log x आपका फर्दर डिफरेंशिएबल था तो इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया, दैट इज 1/, ये बन गया मेरा x log x. अब यहाँ पे क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो मैं इसको v ले सकती हूँ और ऊपर वाले 1 को u ले लूंगी, तो दिस विल बी x log x का स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया, देन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस u as it is, 1 as it is, derivative of x log x. अब यहाँ पे फिर से आपने क्या करना है, u into v से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. u into v से आपको मैंने बताया हुआ है x log x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो that is given by 1+log x. ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, जीरो into anything is जीरो, माइनस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, देन प्लस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1/ में एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया आपका 1+log x. आप चाहो तो ये डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो आपका ये वाला स्टेप है दिस वन, दिस स्टेप यू कैन स्किप, इसके बाद आप डायरेक्ट जो है लास्ट स्टेप भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरीके से आपने करना है, साइन ऑफ लॉग एक्स. साइन ऑफ लॉग एक्स में पहले साइन का डेरिवेटिव आप कॉस ले लोगे, उसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कर दोगे तो ये आपका बन गया कॉस ऑफ लॉग एक्स 1/x. फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप दोबारा से इसमें u अपॉन v वाला मेथड यूज कर लोगे. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 यू विल ट्राई फ्रॉम 11 एंड 12. दीज क्वेश्चंस यू विल ट्राई इन योर होमवर्क पार्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू ऑन मंडे. मानविया यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. बच्चे